तो थप्पड़ मूवी में जो बेसिकली जो मेन कहानी है वो तापसी पन्नू और पवेल गुलाटी की है। ये हस्बैंड वाइफ हैं, एक अच्छा हस्बैंड जो घर के लिए पूरी मेहनत कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, अपने माँ बाप अपनी माँ को अपने पिता से लेकर अलग रहता है। माँ के कुछ रीजंस है क्योंकि जो उनके पति हैं वो बहुत ही बिजनेस माइंडेड हैं, वो उनके लिए टाइम नहीं निकालते हैं, तो बेटे के साथ रहती हैं। और तापसी पन्नू उनकी बहू बनी है, वो एक अच्छी पत्नी का किरदार निभा रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक अपने पति की सेवा करती हैं, अपनी सास की सेवा करती हैं और घर का पूरा ख्याल रखती हैं। उनके पति को जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं वो प्रोजेक्ट मिल जाता है, इसकी एक पार्टी करते हैं। शाम को पार्टी में दोस्त बॉस भी आते हैं, जो मेन बॉस होते हैं वो नहीं आते हैं, कुछ रीजंस रहते हैं। और वही जब शाम को फ़ोन करते हैं, उनको बताते हैं कि उस प्रोजेक्ट से उनको निकाल लिया गया है, बेसिकली निकाल क्या लिया गया, उनको एक जूनियर बना दिया गया उसमें, वो मेन बॉस नहीं है उस प्रोजेक्ट के, तो उनको उस बात से आहत होता है, कहाँ सुनी होती है। और उसी कहानी सुनी के बीच तापसी पन्नू उनको रोकने आती हैं और एक थप्पड़ वो अपनी पत्नी तापसी पन्नू पे जड़ देते हैं। कहानी वहीं से रबड़ की तरह खींचना चालू हो जाती है। अब आप सोचेंगे मैंने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया उसके बाद मैंने बोला कहानी रबड़ की तरह खींच रही है। यस, रबड़ की तरह खींचा है। और इसको खींचने के लिए हम दोषी करार करेंगे अनुभव सिन्हा को, जिन्होंने राइटिंग भी की है और डायरेक्शन भी किया है। अब दो काम एक आदमी करेगा तो खिंचाव तो होगा। मैं भी चाहता हूँ कि 3-4 चैनल खोल लूँ और धड़ाधड़ वीडियो दूँ और लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करा के एकदम धनाधन पैसे कमा लूँ, मगर ऐसा नहीं है भाई। एक आदमी एक ही काम कर सकता है, एक चैनल में ही काम करने में गांठ फट जाती है। तो ये तो पूरी मूवी बना रहे हैं, तो सोचना चाहिए था इनको। दिया मिर्ज़ा को इस मूवी में क्यों लिया है समझ में नहीं आता। वो एक उनके हस्बैंड थे, वो ख़त्म हो जाते हैं, बहुत प्यार करते थे, उसके बाद उनको वैसा कुछ मिला नहीं, केयरिंग, वो शादी नहीं करती है। उनकी बेटी है, वो उनके लिए ढूंढ रही है एक शादीशुदा मर्द या फिर डाइवोर्सी मर्द या फिर एक फ्रेश मर्द कि ताकि उनकी माँ से उनकी शादी हो जाए, मगर उनको करनी नहीं है, वो तो मज़े ले रही हैं। और इसी बीच उनकी लड़की को एक बॉयफ्रेंड मिल जाता है, वो उसके साथ मज़े ले रही हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं। वो बोल रही बहुत छड़का है भाई, हमारी सोसाइटी में तो ऐसा नहीं होता, हमने तो जब जब तड़ाए बहन तो गांड फटी है हमारी, मगर यहाँ तो एकदम मज़े लिए जा रहे हैं और सब कुछ माँ बाप अलाउ कर रहे हैं। तो ये छोटी सोसाइटी की बात नहीं, ये बड़ी सोसाइटी की बात है और बड़ी सोसाइटी में ऐसा ही होता है। तो छोटी सोसाइटी वाले इससे प्रेरित ना हो और ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि ये हाई सोसाइटी में ही होता है। कुमुद मिश्रा और रत्ना पाठक जो माँ बाप का किरदार निभाए तापसी पन्नू के, बहुत ही अच्छे माँ बाप बने हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसके रोल को निभाया है। और मैं कहूँगा कि ये जो प्ले जो उन्होंने किया है उनके माँ बाप का, वो बहुत ही जस्टिफाइड तरीके से किया है, तो इनको तो पूरे एक नंबर मिल गए। बाकी तापसी पन्नू और परवेल गुलाटी को भी एक नंबर मिल गए। अब बाकी बचे 3 नंबर, देखिए कौन लेता है 3 नंबर, और नहीं भी मिल सकते हैं। अब तन्वी आज़मी सास बनी है, ये भी अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने, मगर एक ऐसी सास जो इतनी पढ़ी लिखी सब कुछ है हाई सोसाइटी की, अपना यार शुगर नहीं चेक कर पाती हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। शुगर की मशीन आजकल बस लगा और चेक हो जाता है, चलो कोई नहीं, शायद डायरेक्टर ने मना किया हो कि भैया बहू का काम दिखाना है, बढ़ाना है, रबड़ की तरह खींचना है, वो भी एक कहानी में ऐड होगा तो उसके लिए किया होगा। मानव कॉल जो कि लॉयर, जो इनकी तापसी पन्नू के लॉयर हैं, वो उनके हस्बैंड हैं, वो पता नहीं क्या है, किसी न्यूज़ व्यूज़ में कुछ काम करते हैं, बड़े ही एडिटर हैं, क्या हैं, एंकर हैं, और जब रात में आते हैं पीते हैं करके दम के एकदम देते हैं, है ना, समझ गए होंगे आप। तो यही काम था उनका बस, तो यही कर रहे हैं आजकल बस, और कोई मूवी में मिल नहीं रहा उनको। तो प्रोड्यूसर भूषण का तो बस हर मूवी के बाद कबाड़ा ही हो जाता है, क्योंकि क्या है उनकी हर मूवी फ्लॉपी जा रही है। तो भाई कहानी शुरू करते हैं। अब यार सबको बता दिया कौन क्या है, क्या बकचोदी कर रहा है। तो थप्पड़ पड़ जाता है तापसी पन्नू को, तापसी पन्नू फिर लॉ सूट फाइल कर देती हैं, और मगर वो चाहती हैं कि बस उनके सम्मान का ही लॉ सूट फाइल हो जो थप्पड़ पड़ा है, वो नहीं चाहती इसके बदले में कुछ भी। ठीक है, पति समझाता है, मनाता है, मगर सॉरी नहीं बोलता है। वो कहानी यहीं बस रबड़ की तरह खिंचती रहती है। सब लोग समझाते हैं, मनाते हैं, तापसी पन्नू के माँ बाप भी समझाते हैं, मगर वो नहीं मानती हैं। इसी बीच तापसी पन्नू को पता चल जाता है कि वो गर्भवती हैं, जाती हैं, बताती हैं, पति खुश हो जाता है और सोचता है अब शायद मान जाएंगी,
क्योंकि उसी दिन उनके पति को वो ड्रीम प्रोजेक्ट की चाबी भी मिल गई होती है। मतलब उनके पति का वो ड्रीम प्रोजेक्ट का रास्ता खुल गया होता है, कंपनी वाले मान जाते हैं और उनको वो ड्रीम प्रोजेक्ट उनको दे देते हैं। वो बड़े खुश होते हैं, मगर तापसी पन्नू उस दिन भी नहीं मानती हैं। रीज़न मैं बताता हूँ। रीज़न था, उसके पति बच्चे की बात करते हैं, अपने जॉब की बात करते हैं, उनकी बात कहीं नहीं रखते हैं। तो जो वो वैल्यू की बात मैंने स्टार्टिंग में की थी ना कि हमें लेडीज़ को देनी चाहिए, वो कहीं खो रहे थे और उसी को महसूस कर रही थी और इसीलिए फिर वो चली जाती हैं। लॉ सूट फाइल होता है, सब कुछ होता है और बात डाइवोर्स तक आ ही जाती है। ठीक है, तो डाइवोर्स तक आने आते तक इनके पति तो चले जाते हैं अपने लंदन, बीच में आते हैं वो एक बार बात करना चाहते हैं अपनी पत्नी से और बात करते हैं, उनसे सॉरी मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं और ये बताते हैं कि वो जॉब छोड़ आए हैं, जीरो से स्टार्ट करेंगे और सब कुछ उनकी पत्नी है उनके लिए, जॉब ये सब कुछ पैसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें सुन के उनके सम्मान को फिर से एक विश्वास पैदा होता है, मिलता है और वो खुश हो जाती हैं और उनके साथ खुशी खुशी रहने के लिए राज़ी हो जाती हैं। इसी बीच जो आसपास की कहानियाँ चल रही हैं वो भी चल रही हैं, उनके भी बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जो नौकरानी है, बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है उन्होंने। उनके पति डेली आते हैं, पीते हैं, मारते हैं, पेलते हैं, लास्ट में उनमें हिम्मत आ जाती है मार खा खा के, जैसे WWE में होता है कि वो मार खाता रहता है और लास्ट में पटकनी दे देता है, ऐसा ही इस मूवी में है और वो लास्ट में पटकनी दे देती हैं और उनको ऐसी पटकनी देती हैं कि भाई उनकी गांड फट जाती है उनके पति की और बोलते हैं भाई अब तो भाई ठीक सही रहना पड़ेगा, और हाथ जोड़ लेते हैं। उनकी माँ और उनके पिताजी, उनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है मगर वो पक गए हैं, एकदम ढल गए हैं अपने रिश्ते में। ये सास अपने ससुर के पास चली जाती हैं, वहीं अब जॉगिंग वॉगिंग करती हैं और अपना उनके ससुर अपनी वाइफ का चेक करते थे अब शुगर। सब कहानियां रास्ते में चलने लग जाती हैं। दिया मिर्ज़ा की लड़की के बॉयफ्रेंड घर पर आ जाता है, उनके साथ बैठता है, मज़े लेता है रात भर, वो खुश हो जाती हैं, बोली वाह। तो भैया ऐसा तो छोटी सोसाइटी में नहीं होता है, छोटी सोसाइटी में दो तीन चीज़ें नहीं होती हैं जो इस मूवी में दिखाई गई हैं। पहली, पति द्वारा पत्नी को थप्पड़ मारने पर डाइवोर्स नहीं होता है, बेसिकली नहीं होता है, इस मूवी में दिखाया गया है जो कि बहुत हाई सोसाइटी में होता है। दूसरा, बॉयफ्रेंड को घर पर लाना और माँ बाप का खुश हो जाना, ऐसा भी नहीं होता है जो इस मूवी में हुआ है। ठीक है, ये भी चलो बर्दाश्त कर लिया जाता है ना। और तीसरा जो मुझे लगा, जो लॉयर वाली कहानी थी कि वो अपने पति से खुश नहीं है और लास्ट में फिर वो अपने पति को छोड़ के नया ऑफिस खोल लेती है और जो बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो टकाटक लगी हुई थी उसको भी अलविदा कह देती है, तो मुझे ये भी कुछ पचा नहीं क्योंकि जो टकाटक वाले हैं वो टकाटक करते रहते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो मेरे हिसाब से अगर मूवी देखने, अगर मूवी हॉल में जाना है तो मत जाइएगा, टीवी सिनेमा में आएगी, अपना टीवी में देख लीजिएगा, टाइम पास कर लीजिएगा, इतनी खास मूवी है नहीं, बाकी आपकी मर्ज़ी। रिव्यू अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में डालिएगा, लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नई वीडियो में, आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।